शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज हम खड़े हैं मेरे बाजार में। मेरे बाजार जो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर साथ में SDM ऑफिस है। और अगर पूरे बाजार को देखें तो पहले कुछ तरीकों में, जो महीने के पहले दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आसपास में रोड में बहुत ट्रैफिक रहती है। और इस ट्रैफिक का जो वजह रहती है वो ये रहती है कि जो गलत तरीके से लोग पार्किंग कर देते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से रोड के ऊपर गाड़ियों को खड़ा करके चले जाते हैं, ऐसे में पुलिस को एक्शन करना पड़ता है और इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि रोड साफ सुथरा रहे। तो आज इसी सिलसिले को लेकर, इसी समस्या को लेकर बड़सर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और पूरे शहर को साफ सुथरा करने के लिए और पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए लोगों के चालान काटे गए। हमारे बीच में पूर्ण भगत जी खड़े हैं। साहब, आज आपने सफाई अभियान चलाया हुआ मेरे के अंदर, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? ट्रैफिक जाम होने के कारण ये है कि जो नजायज़ तौर पर यहाँ दिक्कत रह गया, उनका चलान किया जा रहा है, इसलिए क्या टोटो बाजार के लिए लगाया जा रहा है उसे जी। जैसा कि सर, ये बस स्टैंड को लेकर भी रहता है, बसें खड़ी रहती हैं, आधा आधा घंटा खड़ी रहती हैं, तो इसको लेकर भी क्या पुलिस कोई कार्य कर रही है? जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अफसर को निर्देशों का पालन की जाती है, पर जी सारे कार्य किए जा रहे हैं इसलिए। तो सर, ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हैं पार्किंग करने के लिए जो लगा देते हैं, तो क्या थोड़ा सा अगर आप डील देते हैं, किस तरह के नियम रखे हुए हैं कि अगर इस तरह की हो तो चलान नहीं काटा जाता है और अगर कोई गलत हो तो काटा जाता है, क्या क्या आपने यहाँ नियम बना के रखे हुए हैं? चलान जो है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, किसी भी स्थान पर यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। अच्छा, दूसरा बाजार बढ़ के नेक्स्ट में शिकायत यह है कि हम पार्किंग के काम किए जाए, तो ये पार्किंग जो है प्रशासन लेवल पर होगी, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी उन लोगों पर, हमारा काम क्लियर करना होता है जी। मैं यहाँ पर कुछ बाजार के लोग भी हैं, हमसे उनसे जानना चाहेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि जो पार्किंग की समस्या लगातार रहती है महरे के अंदर, और ये आज की समस्या नहीं है, ये लगातार कई सालों से समस्या है। और इस समस्या के बीच में बाजार वालों को भी दिक्कत रहती है, क्योंकि उनके यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं, वो ग्राहक जब अपनी पार्किंग करता है अपने व्हीकल को, तो उसका चलान काटा जाता है, जो कि समस्या दोनों तरफ से रहती है। पुलिस की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो पुलिस को लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि महरे एक ऐसा बाजार है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 10 दिनों में महीने के बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, हर एक व्यक्ति अपने काम के लिए आता है, क्योंकि SDM ऑफिस भी है और तहसील भी है यहाँ पर बड़सर। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्किंग की जो समस्या है वो जेन्युइन समस्या है, और पुलिस वालों की भी अपनी मजबूरी है कि रोड को क्लियर कराना जरूरी है। तो चलिए हम बात कराते हैं, कुछ यहाँ दुकानदार हैं उनसे बात कराएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पर समस्या रहती है पार्किंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? पहले पार्किंग सर, कई बार तो गाड़ी खड़ी करके जाता है ना, कई बार तो पूरा दिन ही गाड़ी खड़ी जाती है, तब कई बार कोई भी नहीं पूछता है। कई बार बेचारा कोई बुजुर्ग आदमी 2 मिनट के लिए ATM में जाता है, बैंक में जाता है, तो उसका 2 मिनट के अंदर चलान आता है। वो तो जो यहाँ पुलिस चलान काट रही है उससे आप सहमत हैं कि काटने चाहिए? सहमत है, काटने चाहिए, काटने चाहिए, मतलब आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो लोग गलत पार्किंग करते हैं उनके चलान काटे जाना अनिवार्य है। यहाँ पर जो बात है वो एक दो दुकानदारों से और करना चाहेंगे हम, और इनसे हम जानना चाहेंगे, हम इनसे समझना चाहेंगे कि जो पुलिस चलान काटती है यहाँ पर उससे वो कितने संतुष्ट है। तो चलिए हम आपसे बात कराते हैं, यहाँ पर भाई साहब कहाँ है आपको यहाँ पर चाहेंगे? सर, ये आपके आसपास में बहुत चलान करते हैं पुलिस वाले, रोज चलान काट देते हैं लोगों के, आप इससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं इनसे जी, मतलब ट्रैफिक समस्या प्रॉपर होती है इसके जी, समाधान होता है। आपने कभी इसकी पार्किंग को लेकर, जो लोग यहाँ पार्किंग करते हैं, क्या प्रशासन को या SDM साहब को कभी बात की इस बारे में कि इस तरह? यहाँ जो इसका कमेटी का प्रधान है उनसे की है। क्या कहा उन्होंने? तो हो जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा जी। तो जैसे कि बड़सर बाजार को, महरे बाजार को लेकर कई सालों से ये बात होती हुई आ रही है कि यहाँ समाधान हो जाएगा, अभी हम और दुकानदारों से आपकी बात कराएंगे, क्योंकि इशू तो है पार्किंग को लेकर, पुलिस की अपनी मजबूरी है, लोगों की अपनी मजबूरी है, दुकानदारों की अपनी मजबूरी है, इन सारी मजबूरियों के बीच में हम यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। और एक सर, ये जो आप यहाँ पर बाजार में रहते हैं, शॉप करते हैं, आपके यहाँ ग्राहक भी आता है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पार्किंग की समस्या रहती है, पुलिस वाले आते हैं चालान काट जाते हैं, आप इससे संतुष्ट हैं क्या? क्यों सर? कस्टमर आते हैं, गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे, कोई पार्किंग के लिए जगह बनाई नहीं है जी, किसी ने कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, किसी कैंपस में खड़ी करें वहाँ पे जगह नहीं होती है जी, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा कहाँ गाड़ी खड़ी करें? तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक आती है, कस्टमर आता है, उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि रोड के ऊपर जब गाड़ी खड़ी की जाती है तो उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और उससे और ज्यादा परेशानी होती है? नहीं, वो भी बात सही है, और ज्यादा मतलब जाम तो लगेगा जब गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी जी। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक व्यक्ति असमंजस में है, और बात सही है, दुकानदार अपनी जगह सही है,
और पार्किंग लगाने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन पुलिस अपनी जगह सही है, क्योंकि जब भी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो पुलिस के पास कंप्लेंट आती है और पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है इस बात को लेकर कि बाजार के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया है, पार्किंग गलत तरीके से की गई है। तो समाधान क्या है इसका, प्रशासन को इसके ऊपर समझना चाहिए और मेहरे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बाजार बड़ा बनता जा रहा है तो इस बाजार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखना भी यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी है। बहरहाल लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और दुकानदार से हम आपकी बात कराना चाहेंगे और उनसे समझेंगे। सर, जैसे कि अभी आपके यहाँ पार्किंग की समस्या रहती है, पुलिस आती है, आपके यहाँ ग्राहक आते हैं, चालान काट देते हैं, आप इससे संतुष्ट हैं सर? नहीं देखो, अगर इनको थोड़ा डेकोरम बनाना है तो थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ रागी चलने के लिए आए दिन एक्सीडेंट। मतलब पुलिस के कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब क्योंकि सिस्टम को सुधारना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा जी। अगर आप नहीं होंगे तो आप बरसे महरे तक देखें, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सुबह आप आते हैं या बसों का हाल देखें आप, जब 3:30 बजे तक आप जाते हैं तो यहाँ से लेके बलिया तक और हरसौर तक एक दूसरे की लोग काफी मशक्कत से निकलना चाहते हैं। जी जी, तो चलो ये कर रहे हैं तो ठीक है, और थोड़ा ये प्रशासन को ये चाहिए कि हफ्ते में एक या दो बार राउंड खुद लगाए ताकि इनको उस टाइम का पता लगे, बाकी लोगों को दिक्कत आती है, बिजनेसमैन को दिक्कत तो है ही है, कस्टमर खड़ा नहीं हो तो कैसे काम करेंगे। जी जी, तो पार्किंग समस्या तो है यहाँ जी। तो जैसा कि यहाँ पर जो स्थानीय शॉपकीपर्स हैं उनका ये मानना है कि पुलिस अपनी जगह जो कार्य कर रही है वो सही है, क्योंकि अगर सख्ती नहीं होगी, अगर पुलिस एक्शन नहीं करेगी तो यहाँ रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि पार्किंग जो लोग करते हैं उनको भी इस बात को जरूर समझना चाहिए कि वो उसका ध्यान रखें, क्योंकि रोड के ऊपर पार्किंग करने से ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो ट्रैफिक जब जाम होता है तो पूरे बाजार के अंदर जो व्यवस्थाएँ हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बात को हम यहाँ पर इस बात को कहकर समाप्त करते हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी सही निभा रही है, शॉपकीपर भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे, और कहीं ना कहीं पार्किंग करने वालों की भी समस्या है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी बात सिर्फ यही बचती है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और मेहरे बाजार के अंदर जो समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं उनको समाधान करने के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।